दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 90 के दशक की मशहूर अदाकारा करिश्मा कपूर ने कई सारे फिल्मों में अच्छी एक्टिंग करके लाखों दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है, जिसके चलते इन्हें ढेर सारी पॉपुलैरिटी भी मिली है। तभी तो लाखों करोड़ों लोग इन्हें आज भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस कहा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखती है, इनके परिवार का बैकग्राउंड क्या है और कैसे ही एक्टिंग करियर में इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल कर पाई? नहीं ना, तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, इनकी फैमिली हिस्ट्री बताकर। तो अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही करिश्मा कपूर के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 90 के दशक की गॉर्जियस क्वीन करिश्मा कपूर मुंबई के पंजाबी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है, जिनके परिवार का इतिहास शुरू होता है इनके पिता रणधीर कपूर से, जो कि एक पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे थे और फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। जी हां, आपको बता दें, इनके पिता के पिता राज कपूर पेशे से निर्देशक थे और इनके पिता ने उनके नक्शे कदम पर ही चलते हुए फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाया। और जब ये बॉलीवुड को कई सारी सुपरहिट फिल्में देकर मशहूर हो गए तो राज कपूर ने अपनी मनपसंद लड़की बबीता कपूर से रणधीर कपूर की शादी करवा दी और इस शादी से इन्हें दो बेटियों का आशीर्वाद मिला, जिनका नाम करिश्मा कपूर और करीना कपूर है। आपको बता दें, इनकी माँ बबीता कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा रही है, जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई सारे फिल्मों में अच्छी एक्टिंग करके अपने करियर को सवार कर एक मशहूर अदाकारा बन गई है। अब बात करते हैं इनकी छोटी बहन करीना कपूर के बारे में। तो आपको बता दें, करीना कपूर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा है, जिन्हें बॉलीवुड में बेबो के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करके बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में सक्सेसफुल होने के बाद बॉलीवुड के फेमस एक्टर सैफ अली खान से शादी कर ली, जिनसे दो बेटे हैं और अब ये अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। अब बात करें इस परिवार के 90 के दशक की क्वीन यानी करिश्मा कपूर के बारे में। तो आपको बता दें, करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और यही वजह है कि करिश्मा कपूर ने यहीं से अपनी पूरी पढ़ाई की। वहीं आपको बता दें कि ये फिल्म बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है और उनका परिवार 1920 से बॉलीवुड पर राज कर रहा है, जिनके दादा परदादा का बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफी गहरा नाता रहा है। इसी वजह से इन्हें भी एक्टिंग में दिलचस्पी थी, जिसके चलते इन्होंने 17 साल की उम्र में प्रेम कैद फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, जिसे अपनी पहले फिल्म से ही दर्शकों के बीच छा गई थी। लेकिन फिर अगले वर्ष करिश्मा कपूर की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके चलते इन्हें काफी बड़ा सदमा भी लगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी, जिसके चलते इन्होंने सलमान खान के साथ दो फिल्म की, जिसमें जागृति और निश्चय का नाम शामिल है। और फिर अक्षय कुमार के साथ इन्होंने पहले फिल्म दीदार की, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया गया। फिर साल 1992 में इन्होंने एक्शन ड्रामा फिल्म जिगर की और साल 1993 में इन्होंने रोमांटिक ड्रामा फिल्म अनाड़ी की, जिनकी दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। और ऐसे ही इन्होंने बीवी नंबर वन, जुड़वा, हम साथ साथ हैं, राजा बाबू और राजा हिंदुस्तानी जैसे एक से बढ़कर एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली और आज भी दर्शकों के बीच अपनी इन फिल्मों के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं करिश्मा कपूर की निजी जिंदगी के बारे में। तो आपको बता दें, इनका एक्टिंग करियर जितना सक्सेसफुल रहा है, उतनी ही इनकी निजी जिंदगी काफी ज्यादा दुख भरी रही है, क्योंकि साल 2003 में इन्होंने इंडिया के फेमस बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, जिनसे इन्हें दो बच्चे भी हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद करिश्मा कपूर और उनके हस्बैंड संजय कपूर के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे और अंडरस्टैंडिंग नहीं बनने के चलते इनका साल 2016 में डिवोर्स हो गया और अब ये बिजनेसमैन संदीप तोशनीवाल को डेट कर रही हैं और कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका करिश्मा कपूर के परिवार के इतिहास के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।